सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्ष गुणम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। एम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियरों और प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। इन्होंने अपने व्यापक दृष्टिकोण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समर्पण के जरिए भारत को एक नया रूप दिया। डीएनएस में आज हम इस महान विभूति एम विश्वेश्वरैया के बारे में जानेंगे और साथ ही समझेंगे इनके जीवन से जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 को तत्कालीन मैसूर रियासत में चिकबल्लापुर के नजदीक मुड्डेनहल्ली में हुआ था। यह रियासत अब कर्नाटक राज्य का हिस्सा बन चुका है। लोगों के बीच एम विश्वेश्वरैया सर एमवी के नाम से मशहूर थे। इनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था और माता का नाम वेंग चांबा था। पिताजी एक संस्कृत विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जबकि माता वेंग चम्मा एक धार्मिक महिला थी। जब विश्वेश्वरैया मात्र 15 साल के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। चिकबल्लापुर में इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वो बैंगलोर चले गए। साल 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बैंगलोर से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद मैसूर सरकार से उन्हें सहायता मिली और उन्होंने पुणे के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। इंजीनियरिंग पास करने के बाद विश्वेश्वरैया को बॉम्बे सरकार की तरफ से नौकरी का प्रस्ताव आया और उन्होंने नासिक में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम शुरू कर दिया। बाद में वो भारतीय सिंचाई आयोग से जुड़ गए। साल 1909 में उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया। 1912 में वो मैसूर के दीवान बन गए। आजादी के बाद साल 1955 में सर एमवी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें जॉर्ज वी द्वारा भी ब्रिटिश नाइटहुड किंग से सम्मानित किया गया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना कृष्णा राजा सागर झील और बांध थी। ये उस समय भारत का सबसे बड़ा जलाशय था। इस बांध के जरिए कई शहरों के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो पाया। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके द्वारा बनाए गए बांध से लाखों किसान और आम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वो आजादी से बहुत पहले आर्थिक नियोजन की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। साल 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली अल्प विकसित योजना समिति की स्थापना की गई, तो उस वक्त एम विश्वेश्वरैया को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन वैज्ञानिक मेघनाद साहा ने कहा कि योजना समिति की अध्यक्षता किसी राजनेता द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद सर एमवी की जगह नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साल 1917 में बेंगलोर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था।
बाद में इस कॉलेज का नाम बदलकर उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। वैसे तो सर एमवी को पूरा विश्व आदर के साथ याद करता है, लेकिन वो कर्नाटक में इतने सम्मानित हैं कि साल 1972 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी बंगारदा मनुष्य में एक पूरा गीत उनके लिए समर्पित है। ये मूवी कन्नड़ फिल्म इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। देश के विकास में उनके अतुल्य योगदान और बेहतरीन कामों की वजह से राष्ट्र हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा।